बर्फीली जेसीबी की खुदाई, बहुत बर्फ आ गए। अभी टाइम हुआ है 8:30 सुबह के और हम निकलने के लिए रेडी हैं। कैप्शन में आप लोगों ने देख लिया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर नैनीताल है, जिसमें हमें 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। और आज रास्ते ही बारिश हो रखी है, सुना है आज स्नो होने वाला है वहाँ पर। तो हम लोग 1 या 2 घंटे वहाँ पहुँचेंगे, फिर देखते हैं बर्फ़ है क्या है क्या नहीं है। और आज हम जाएंगे बाहर वाली के साथ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू माय चैनल वर्गोनिक। चलिए आगे चलते हैं। कालाडूंगी मोड़ पर रुके हैं हम। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है नैनीताल, और बारिश जो है अच्छी खासी बारिश हो रही है। पीछे मेरा आपको बारिश थोड़ी बहुत दिखाई भी दे रही होगी। तो आज ये है हमारी बाहर वाली, जिससे हम देहरादून गए थे और इसी से हम जा रहे हैं नैनीताल। और मौसम काफ़ी अच्छा है, रास्ते में आप लोगों को दिखाऊंगा, बस बर्फ मिल जाए किसी तरीके से तो मज़ा आ जाए। तो बने रहे, देखते रहे, चल रहे आगे। नैनीताल तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर तो बारिश ही हो रही है। अब जो हमारा प्लान है वो किलबरी जाना बनना है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ हो गिर रही है। और आए हम नैनीताल आज बर्फ़ देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए भी। तो कुछ खाते पीते उसके बाद चलते किलबरी। किलबरी का रास्ता इन लोगों ने बंद कर रखा है, लेकिन टैक्सी करके जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाने नहीं दे रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं जाकर। मौसम बहुत ठंडा होते हुए और हमारे पीछे पड़ रही है बर्फ़। ये हल्की बर्फ़ नहीं है, लेकिन बर्फ़ है मेरे ऊपर, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी हम और आगे जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं बर्फ कैसी मिलती है। जैसे तैसे कैसे नैनीताल पहुंचने के बाद, किलबरी पहुंचने के बाद यहां पर मिली गई हमें आखिरकार बर्फ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। टाइम हुआ है करीब 2:30 बज चुके हैं और हम नैनीताल की वादियों में हैं। और आज पहली बार लाइफ में मैंने बर्फ़ गिरते हुए देख रहा हूँ, और ये सिर्फ फ़ोन चलाने की वजह से, क्योंकि इससे फ़ोन नहीं चल रहा, इससे फ़ोन चलाना पड़ रहा है। इसलिए ठंड में अच्छी खासी ठंड हो रही है, और मौसम विभाग के अनुसार बर्फ़ आज भी पड़ेगी, कल भी पड़ेगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भयंकर बर्फ़बारी, और ऊपर जा रहे हैं और भयंकर बर्फ़बारी होगी। देखते रहिए वर्गोनिक। नैनीताल की वादियों में बर्फ ही बर्फ पड़ रही है और मज़ा आ रहा है कुछ खतरनाक। इधर का दिखाइए, चलो इधर का, ये देखो कितनी बर्फ है चारों तरफ।
मतलब पहली बार लाइफ में मैं यहाँ आया हूँ बर्फ के टाइम पे, वरना बर्फ तो मैंने बहुत देखी, मैंने एक एपिसोड डाला था ओली का, बर्फ बहुत थी, लेकिन पहली बार गिरती हुई बर्फ देख रहा हूँ, गिरती हुई बर्फ में बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को मैं नैनीताल का एक और एपिसोड दिखाऊंगा, वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वैसे ही नैनीताल घूमना चाहते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो देख सकते हैं। बाकी नैनीताल आपको मैं आज सिर्फ बर्फ के हिसाब से घुमाऊंगा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, मज़ा आ रहा है बेहतरीन। तो वीडियो को सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करते चले, मैं आपको भी और बर्फ दिखाने वाला हूँ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, इतना मजा, मतलब पेड़ भी इतने अच्छे लग रहे हैं ना यहाँ पे, जो सिंपल दिनों में नहीं लगते। नैनीताल आने में मेरा ज़्यादा मन नहीं होता क्योंकि सभी वही चीज़ दिखती है हम लोगों को, लेकिन आज सिर्फ बर्फ की वजह से मुझे आना था और मैं बर्फ की ही वजह से आया था। और ये स्पेशल अनस भाई आपके लिए है, बर्फ देख लो कितनी पड़ रही है। आप लोग विशाल भाई तुम्हारे लिए भी है, बहुत बेहतरीन। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ किलवरी, और किलवरी में बर्फ बहुत ज़्यादा है, ये था विशाल भाई के लिए। वसीम भाई, वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हो? ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, देखिए बर्फ कितनी ज्यादा, चाहता है बर्फ ही बर्फ है, भाभी को भी दिखा दियो। और अब आगे और चलने थोड़ा सा, फिर हम वापसी पीछे की ओर निकलेंगे। बर्फीली जेसीबी की खुदाई, बहुत है बर्फ आगे। आप कहाँ किलबरी से आ रहे हो? यहीं से किलबरी से आते हो? ये रास्ता नीचे निकलता है क्या? आगे से नीचे निकल जाएगा आगे से रास्ता? हाँ। नीचे नैनीताल के लिए कहाँ से? यहाँ से कहीं से बैग ही जाना पड़ेगा। ठीक है जेसीबी वाले भैया, ये थी छोटी जेसीबी और यहाँ चल रही है जेसीबी से खुदाई, बर्फीली खुदाई। राज भाई क्या चल रही थी ये? बर्फीली खुदाई, सारी खुदाई एक तरफ है, बर्फीली खुदाई एक तरफ। ये देखिए जामा मस्जिद, अब जा रहे हैं लाल किला। सामने डोगी, बर्फीला डोगी। डोगी भाई क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया, चलो ना बेहतरीन। तो खैर नज़ारा बहुत कमी से देखने को मिलता है, जैसे भी चल रही है खुदाई उधर और हम देख रहे हैं नज़ारे ही नज़ारे। हो सकता है जनवरी में बस ये लास्ट बर्फ पड़े, एक आध बार और पड़े तो पड़े, वरना पड़ती नहीं है ज़्यादा। बहुत सालों बाद जनवरी में इस टाइम बर्फ पड़ रही है। ये दोस्त क्या चाहता है तू? ये हमें रास्ता दिखाता हुआ मिस्टर ब्लैकी कहाँ लेके जाएगा, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। टाइगर जिंदा है, ये कहाँ लेके जाएगा।
लग रही है। शाम के बजे हैं 5:30 और नैनीताल का मौसम बारिश वाला ही है। नैनीताल में बर्फ़ नहीं पड़ी, नैनीताल से ऊपर 3-4 किलोमीटर अच्छी खासी बर्फ़ थी, मैंने आपको दिखाया। और इतना सब घूमने के बाद हम लोग तो काफ़ी थक गए हैं और पैर जो हैं सुन हो चुके हैं, हाथ भी सुन हो रहे हैं। तो अब जो हमारा प्लान है वो वापसी घर जाने का है। खाना हमने खा लिया। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी स्नोफॉल दिखाएं, क्योंकि बहुत लोगों की मुराद होती है स्नोफॉल देखने की, जैसे हमारी मुराद थी स्नोफॉल देखने की। मैंने लाइफ में पहली बार स्नोफॉल देखा है, वरना कोई और सा फॉल ही देखा था आज तक। लिव हार्ड लिव लॉन्ग बूम।